न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव हुआ स्थगित, प्रत्याशियों के लिंग दो कमेटी की संस्तुतियों के पालन न करने पर सलाहकार समिति ने लिया निर्णय। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूर विहार कॉलोनी में हुई महिला की हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस, एसएसपी ने कहा जल्द होगा खुलासा। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अभय सिंह ने मारी बाजी, की शानदार जीत हासिल। गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षकों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर दो छात्र गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, कई चार पहिया वाहनों को किया गया क्षतिग्रस्त, पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा। गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक पर हुए हमले पर शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी, कहा छात्र संघ चुनाव में नहीं करेंगे सहभागिता। शासन की प्राथमिकताओं में शामिल विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति की मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी कार्यालय पर लगाए गए जन सुनवाई कियोस्क मशीन का मंडलायुक्त ने किया शुभारंभ, कहा आम जन को शिकायतों के निस्तारण की मिल सकेगी जानकारी। कमिश्नर की अध्यक्षता में संपन्न हुई निर्माण कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक, कार्यों की प्रगति पर जताया संतोष, कहा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर रखा जाएगा ध्यान। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक, कहा चेतावनी के बाद भी नहीं चेते तो होगी कार्रवाई। दिग्विजयनाथ एलटी कॉलेज में आयोजित 7 दिवसीय विशेष व्याख्यान के 6वें दिन वक्ताओं ने श्री गोरख पीठ की अद्वितीय अगुवाई में शैक्षिक क्रांति विषय पर डाला प्रकाश। 2 दिन से नाले में गिरी बछिया को गोरखपुर न्यूज की पहल पर नगर निगम के आवारा पशु वाहन दस्ता ने बचाया, सोए रहे तमाम एनजीओ। दी कमिश्नर कोल्ड बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नव नियुक्त मंडलायुक्त का किया अभिवादन, एसोसिएशन की समस्याओं से कराया अवगत। और 6वीं अंतर जनपदीय पुरुष और महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता 2018 का पुलिस महानिरीक्षक ने किया शुभारंभ।